नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं अंकुर यादव। एक बड़ी खबर आ रही है पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम धर्मपुरा के एक व्यक्ति के ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके गुप्तांग को काट दिया है। ये खबर अजयगढ़ थाना क्षेत्र के धर्मपुरा से सामने आई है, जहां देशराज लोधी नाम के युवक पर उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया और उसके गुप्तांग को काट डाला। दरअसल जानकारी के मुताबिक देशराज लोधी और उसकी पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसकी पत्नी अपने मायके में रह रही थी। इसी बात से नाराज पत्नी के मायके पक्ष के लोगों ने देशराज लोधी पर हमला कर दिया और उसके गुप्तांग को काट डाला। पुलिस ने इस मामले में देशराज लोधी को तत्काल स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। साहब, इसके ससुराल वाले हैं जो, तो पति पत्नी के थोड़ी विवाद के कारण इन्होंने इसका एक घटना किया है। हाल चार पांच लोग आकर के इसके को काट दिया है। अच्छा, पकड़ करके खेत में अकेला था, कोई नहीं था, सब पकड़ करके काट दिया। जब हम खेत से आए तब वहाँ नहीं घर में था, हम गए साथ खेत में, देखा तब वहाँ दो पड़ा हुए थे। कौन है ये आपका लड़का है सर? मेरा उसका पेनिस जो है वो डॉर्सल साइड से इंसाइज हुआ है और झगड़े में हुआ है, और ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो 2 से 3 सेंटीमीटर किसी ने इंसाइज किया है। और ये हमने इसका ट्रीटमेंट दे दिया है, पैकिंग किया है, उसको पन्ना के लिए रेफर कर। बिल्कुल पेनिस हो गया क्या सर? नहीं, नीचे की साइड पे थोड़ा जुड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको अभी यहाँ पे तो उसको मैनेज नहीं कर सकते, प्राइमरी ट्रीटमेंट दे के उसको रेफर कर। पेप्टिक टाइम पर इस वक्त के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें और खबरों को पढ़ने के लिए peptictime.com पर सर्फ करें। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान एवं सक्रिय नेता श्री जीवन शर्मा को धुंधड़ का जिला मंदसौर से भाजपा मंडल अध्यक्ष बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शुभेच्छु घनश्याम लोहार, मंडल महामंत्री युवा मोर्चा धुंधड़ का मंदसौर।